हरे कृष्णा। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है कि भारत में जो ये ओमिक्रोन चल रहा है, ओमिक्रोन का ये जो बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस का जो ये वेरिएंट वगैरह हैं, कभी मतलब ये इनके अलग अलग रूप बदल रहे हैं। तो ये अब जो नया आया है ओमिक्रोन, इसका क्या प्रभाव रहेगा, रिकवरी वगैरह क्या रहेगी? तो ये जो चीज़ है कि जैसे अभी जो दूसरी लहर आई थी डेल्टा की, उसके बाद अब ये तीसरी लहर बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आ रही है। तो अब जो नया साल आया है 2022, 2022 में जो ओमिक्रोन आया है, जो ये बीमारी आई है, इसका भारत पर, भारत की जनता पर कैसा प्रभाव रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा? तो जो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, जो मैंने प्रश्न कुंडली से जाना कि ये कैसा, कैसे प्रभावित करेगा, कैसा क्या रहेगा इसका, और क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या ऐसे उपाय करने चाहिए कि जिससे हम इस चीज़ से बच सकें, अच्छे रह सकें। तो जो प्रश्न कुंडली हमारी बनी, प्रश्न कुंडली में जो मैंने समझा, जो जाना, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने प्रश्न लिया कि भई ये ओमिक्रोन का प्रभाव कैसा रहेगा, रिकवरी कब तक होगी, ये भी कब तक रहेगा, कैसी इसकी चाल है, क्या भारत में इसका प्रभाव रहने वाला है। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे पास प्रश्न कुंडली बनी है, प्रश्न कुंडली में इस बीमारी को लेकर जो चीज़ें आई है वो ये है कि हमें जून के महीने तक, जून 2022 तक हमें बहुत सावधानी बरतनी है, बहुत ही संभल कर चलना है, क्योंकि ये जो टाइम है जून तक का जो मेरे पास आया है, वो जून तक का समय बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन बहुत प्रभावी रूप से फैलने वाला है। और इससे इससे हमें बचने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास करने चाहिए कि हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ज़्यादा बाहर नहीं जाएं, और जो भी हम सुरक्षा अपना सकते हैं वो अपनाएं। तो यहाँ पे जो षष्ठम भाव है, यहाँ शनि की राशि है, और जो पंचम भाव है वहाँ भी शनि और गुरु हैं। तो जो हम देख रहे हैं कि हमें जो रोग देखना है, जो रोग के लिए जो हमारे भाव हैं, रिकवरी का भाव है पंचम भाव, और जो रोग के भाव है वो षष्ठम भाव। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो जगह है वहाँ षष्ठम भाव बहुत एक्टिव है, और 8th हाउस भी एक्टिव है, 12th भी एक्टिव है, फाइनल रिजल्ट भी 8th से 12th में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो रिकवरी का हाउस है 5th हाउस, वो बहुत कम जगह है, क्योंकि 6ठे भाव को 5वां भाव ही काटता है जो हमें रिकवरी बताता है। तो जो रिकवरी है वो रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है सब जगह। ऐसा नहीं है कि रिकवरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रिकवरी भी है, लेकिन 5 6 दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बीमारी भी रहेगी, रिकवरी भी रहेगी, लोग बीमार भी होंगे और रिकवर भी होंगे। तो इसमें जो हमारे पास जो डेट है कि जो 6 जो जून का महीना आया है, 6 तारीख तक जो हमारे पास तारीख है, वहाँ तक हमें बहुत संभल के रहना है। बहुत फिर जैसे जून में, जून के बाद जैसे जुलाई आएगा, तो जुलाई में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, उसके बाद में फिर ये ऐसे ही ये सब चीज़ें फिर से चलती रहेंगी। उसके बाद जैसे फिर अगस्त के बाद से लेके नवंबर तक, अगस्त के बाद से लेके नवंबर तक हमें फिर से राहत मिल सकती है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि ये साल शनि से शुरू हो रहा है, और शनि देव ही इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और यहाँ षष्ठम भाव में भी शनि की ही राशि है, शनि ही यहाँ पंचम भाव में है। तो कहने का मतलब है कि रोग भी शनि ही दे रहा है और रिकवरी भी शनि ही करवा रहे हैं। शनि प्लस गुरु, ये दोनों रिकवरी करवा रहे हैं और रोग भी शनि ही दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों के कर्म अच्छे रहेंगे वो बचते रहेंगे,
शनि जो है वो कर्मों के देवता हैं, आपके कर्म कैसे हैं उसके अनुसार ही आपको फल मिलने वाले हैं। तो शनि की वजह से ही आप बचेंगे भी और शनि की वजह से ही आप रोगग्रस्त रहेंगे भी। तो यहाँ पे जो ओमिक्रोन का प्रभाव है वो बहुत जून तक इसके ये ज़्यादा दिखाई देगा, जून तक इसका प्रभाव काफ़ी अधिक रहेगा, उसके बाद कम हो जाएगा, फिर नॉर्मल जैसा रहेगा कि कभी आएगा कभी जाएगा, रिकवरी भी रहेगी, बीमारी की कंडीशन भी रहेगी, रिकवरी भी रहेगी। दूसरा, यहाँ फिफ्थ हाउस में गुरु भी बैठे हैं, तो गुरु भी हमको रिकवरी देंगे। गुरु के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मतलब बीमारी से, किसी चीज़ से अगर परेशानी है, तो वो अपने बड़ों का आदर करें, विष्णु भगवान को मनाएं और विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें, हरे कृष्णा का जाप करें। और शनि भी, शनि भगवान की भी जो रहती है, शनि भगवान के भी दान धर्म है, वो सब करें, दूसरों को सताएं नहीं। जो नौकरशाह वर्ग है और जो शूद्र वर्ग है, उस वर्ग को परेशान न करें, किसी भी व्यक्ति को बिना वजह के कोई अपशब्द ना कहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। कहने का मतलब ये है, ना छोटों से बैर ना बड़ों से बैर। गुरु जो है वो बड़ों के लिए हैं, शनि जो है वो शूद्र के लिए हैं। तो शनि जितने भी नौकर चाकर होते हैं, जितने भी निम्न स्तर के, निम्न वर्ग के लोग जो लोग रहते हैं, जैसे हम ऐसा जो भी कामकाजी लोग हैं जो हमसे नीचे काम कर रहे हैं, उनको परेशान ना करें। और जो गुरु है वो हमसे बड़े अफसर हैं, बड़े जितने भी जो हैं उनसे भी पंगा मूल ना लें। तो कहने का मतलब ये है कि बीच का मध्यम रास्ता अपनाते हुए चलें और ये साल निकालें। मध्यम रास्ता अपना के धीरे धीरे चलते रहें। ये शनि है और शनि का हर एक चीज़ का प्रभाव धीरे धीरे होता है, शनि शनि। ये बीमारी भी शनि शनि चलेगी, रिकवरी भी शनि शनि ही देगी। तो जो प्रश्न कुंडली हमारी है, प्रश्न कुंडली में जो हम भाव देखते हैं कि रिकवरी के लिए हम फिफ्थ हाउस देखते हैं और बीमारियों के लिए हम सिक्स हाउस देखते हैं, या एट्थ हाउस भी है और ट्वेल्थ हाउस भी हम देखते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो मृत्यु दर बताता है। तो जो एट्थ हाउस है वहाँ पे भी राहु बैठा है, तो भ्रम भी बहुत रहेंगे और राहु शनि के जैसे ही प्रभाव दिखाता है। जो राहु भी है वो शनि के जैसे ही रिजल्ट देता है। तो जो शनि के जैसे ही राहु भी रिजल्ट देगा, तो हम कह सकते हैं कि जून तक हमें बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। जून तक इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा, उसके बाद में आप रिकवरी भी दिखाई देगी। तो यहाँ पे उपाय के बारे में हम यही कह सकते हैं कि आप शनि, गुरु और राहु, साफ सफाई का ध्यान रखें, बड़ों के प्रति आदर सम्मान और अच्छा व्यवहार रखें, छोटों के प्रति भी प्रेम स्नेह और आदर सम्मान रखें। साथ ही जो विष्णु भगवान हैं, शनि भगवान हैं, हनुमान जी हैं, इन सब की आप आराधना करें, पूजा पाठ करें और अपनी सावधानियों को आप मतलब ध्यान रखते रहें। तो जो प्रश्न कुंडली है उसके हिसाब से तो यही आया है कि जून तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और उसके बाद में भी आपको ध्यान रखना है। ये शनि का वर्ष है, शनि या सिक्स्थ में भी है, शनि या फिफ्थ में भी है, और जो जनवरी में जो ये 2022 शुरू हुई है वो भी शनिवार को ही शुरू हुई है। तो सब चीज़ें धीरे 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 चलती ही रहने वाली है। ये पूरा साल आपको बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे बिताना है। ना तो बड़ों से आप वैर भाव रखिए, ना छोटों से रखिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपको अच्छा या बुरा फल देंगे। यहाँ शनि की प्रधानता है इसलिए, और शनि आपके कर्मों के अनुसार आपका फल देता है। तो अगर कोई बीमारियाँ आएगी, अगर कोई रोग या कहीं कोई किसी भी व्याधि से अगर आप परेशान होते हो, तो वो आपके कर्मों के कारण ही शनि आपको दे रहे हैं। तो उसके उसको आप मतलब कम करने की कोशिश कीजिए। हरि नाम जप कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, छोटों से प्यार स्नेह कीजिए, तो शनि आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। और जो हमारी प्रश्न कुंडली है उसमें तो अभी रिकवरी आपको जून के बाद दिखाई देगी, जून तक काफ़ी इसका प्रभाव दिखाई देगा और उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी दिखाई देगी। थैंक यू।